बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं महमूदिया ट्रैवल एंड टूर के यूट्यूब चैनल में आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद इकबाल, अपने चैनल में वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, उमरा 2024 भी आने वाला है, पहले 2023 का अभी पैकेजेस चल रहे हैं, तो सस्ता तरीन हम उमरा कैसे हासिल कर सकते हैं और क्या तरीक़ेकार होता है, किस तरीके से हमें मिल सकता है पैकेज, दोस्तों हम तकरीबन वीडियो में जिक्र करते हैं। अगर आप उम्र की सआदत हासिल करना चाह रहे हैं तो आप किसी भी रजिस्टर्डशुदा ट्रैवल एजेंसी का इंतखाब करें। लोग जब उम्र पे जाते हैं और बाद में शिकायत करते हैं, ये जो गली मोहल्लों में लोग बैठे होते हैं कि हम जी उम्र करवाते हैं, हमारा फलां एजेंसी के साथ लिंक है, ये है वो है, तो यार उन्होंने अपना कमीशन पर होता है, उन्हें इस चीज़ से गरज नहीं होती है कि आपको रिहाइश दूर मिलेगी, ये है वो है, क्योंकि वो जिस कंपनी के साथ होते हैं वहाँ से वो पैकेज सस्ते लेते हैं। अब उस कंपनी को भी ये नहीं बताते कि हमें नज़दीक रिहाइश दें, यही कहते हैं सस्ता पैकेज, तो वही पैकेज ये आकर महंगा तरीन बेच रहे थे। यानी अगर 2 लाख का पैकेज है तो ये उसको 2,30,000 40,000, क्योंकि इनको पूछने वाला तो होता कोई नहीं है, तो लोग ज़्यादातर वहीं रुझान करते हैं। देखें, आप एक रजिस्टर्डशुदा ट्रैवल एजेंसी का अगर इंतखाब करेंगे, विज़िट करेंगे, तो एक अच्छा पैकेज भी मिलेगा और उसकी आपको तमाम गारंटियाँ जिम्मेवारियाँ भी होंगी, क्योंकि वो एक पाकिस्तान से अप्रूव शुदा ऑफिस बना के बैठे होते हैं, उनके पास हर किस्म की अथॉरिटी मौजूद होती है। तो आप कोशिश किया करें कि ट्रैवल एजेंसी का इंतखाब करें। दूसरी बात दोस्तों यह है कि आप एक अच्छे पैकेज का इंतखाब करें, इकॉनमी पैकेज है, जिसमें आपको सैफुल मजद जैसे होटल, इलाफी कूबक साइड जैसे होटल जो है मिल सकते हैं, और ये रिहायश हमारे पास मौजूद हैं, और हम इसमें आपको बेहतरीन पैकेज जो है 2 लाख, 10,000, 15,000, 20,000 शेयरिंग के पैकेज हैं। टिकट का जो फेयर है अगर वो कम होगा तो ये पैकेज मज़ीद कम हो सकता है, ठीक है। तो कुछ लोग PIA पे सफ़र करते हैं, कुछ सऊदी एयरलाइन पे सफ़र करते हैं, कुछ लोग एयर ब्ल्यू पे कहते हैं, कुछ एमरेट्स पे, कुछ कतर्स पे, तो फिर उनके टिकट्स का इंतखाब किया जाता है, फिर उन टिकट्स को मद्दनज़र आके पैकेज बनाया जाता है, तो ज़ाहिर है कीमत में डिफरेंस आ जाता है। तो जो नॉर्मल लोग पैकेज लेते हैं, यानी कोई एयर ब्ल्यू पे जाना चाहते हैं, तो वो एक नॉर्मल पैकेज 2 लाख तक भी बन जाता है, 1,80,000 तक भी बन जाता है, ठीक है, नज़दीक तरीन रिहाइश के साथ। तो आपको पता है कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले चंद दिनों में जिस तरह डॉलर नीचे आ रहा है और मज़ीद नीचे तेल अगर डीजल वगैरह कम होता है तो टिकट के रेट भी नीचे आ सकते हैं, तो इससे पैकेज मज़ीद सस्ते होंगे इंशाल्लाह। जो पैकेज अच्छा पैकेज 2 लाख में बन रहा था वो इंशाल्लाह 1,70,000 या 1,60,000 पे इंशाल्लाह ज़रूर जो है आ जाएगा। तो मज़ीद अगर आप पैकेज लेना चाहते हैं, बुकिंग कराना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें, तो इंशाल्लाह आपको हर किस्म की मालूमात फराहम की जाएगी। ये थी कुछ अपडेट, मज़ीद अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।